सन्माननीय श्री उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे यांना त्याचप्रमाणे नाशिकचे नानासाहेब बच्चाव आणि पश्चिम विदर्भाचे महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी अभी खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार गठबंधन में मुंबई की 3 और पूर्वी विदर्भ की 15 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने दावा ठोका है। इनमें से अधिकतर ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस शिवसेना के विधायक नहीं है। इस विवाद को सुलझाने के लिए आघाड़ी में कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है। इस बीच खबरें सामने आ रही है, दरअसल सोमवार को काफी देर तक चली खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस मुंबई के वांड्रे ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट सीटें शिवसेना यूबीटी को देने पर राजी हो चुकी है। एमवीए के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इससे मुंबई में सीटों की संख्या कम हो गई है जहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी आमने सामने है, यानी बाईकुला और वर्सोवा। विवादित सीटों की कुल संख्या भी 30 से घटकर अब 25 हो गई है। एमवीए ने सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाने के लिए अब एक अंतिम बैठक भी तय की है और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन मंगलवार को 240 विधानसभा सीटों पर घोषणा कर देगा। कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट, इन तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत से गतिरोध सुलझ चुका है और कांग्रेस सीईसी की बैठक में कांग्रेस में सीटों पर सहमति बन गई है। माना जाता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी में चल रहे सीट शेयरिंग विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व से बात की। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस मुंबई को 2 सीटों के अलावा विदर्भ की 2 सीटें छोड़ने पर भी सहमत हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया कि दोनों पार्टियों में तनाव कम हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में बाकी मतभेद भी सुलझ जाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस को आवंटित 96 सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर आगे की चर्चा के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ मंगलवार को मीटिंग होगी। आघाड़ी में अब तक ये तय हुआ है कि एनसीपीएसपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि यूबीटी शिवसेना लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस को आवंटित की जाएंगी।